हाय बच्चों स्वागत है आपका ई लर्निंग मित्राकेश चैनल पर फॉलोइंग डेटा वेयर ऑफ ऑन अ फिफ्टी केवीए ट्वेंटी फोर हंड्रेड बाई वन ट्वेंटी वोल्ट ट्रांसफार्मर ओपन सर्किट टेस्ट ऑन एल बी साइड गिवेन वाटमीटर मीटर रीडिंग थ्री नाइनटी सिक्स वॉट एंड एमीटर रीडिंग 9.65 एम्पीयर एंड वोल्ट मीटर रीडिंग 120 वोल्ट शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑन एचवी साइड गिवन वाट मीटर रीडिंग एट टेन वॉल्ट ए रीडिंग 20.8 एम्पीयर एंड वोल्ट मीटर रीडिंग 92 टू वोल्ट दिलेंट रेजिस्टेंस रेफर टू द एलवी साइड इज इन मिली ओम इसका सल्यूशन देखते हैं देखिए पहला क्वेश्चन का हम सोल्यूशन देखते हैं मेरा जो इक्वेलेंट रेजिस्टेंस होगा एच वी साइड में वो किसके बराबर होगा जो मेरा वाट मीटर रीडिंग होगा एच वी साइड में अपॉन में एम मीटर रीडिंग का स्क्वायर जो एच वी साइड पे होगा इक्वल्स टू जो वैल्यू दिया रहेगा हमें वो पुट कर देंगे यहाँ से मुझे मिल जाएगा वन पॉइंट एट सेवन ओम और इसी रजिस्टेंस को ट्रांसफर कर देंगे एल वी साइड में तो उसका क्या फार्मूला होता है अगर हम इसको एल वी साइड में ट्रांसफर करते हैं तो एच वी साइड का इक्विवेलेंट रजिस्टेंस डिवाइड बाई ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का स्क्वायर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होता है के के इक्वल्स टू क्या होता है हाई वोल्टेज डिवाइडेड बाय लो वोल्टेज यहां से कितना आ जाएगा टू हंड्रेड ट्वेंटी ट्वेंटी आ जाएगा तो ट्वेंटी का स्क्वायर करेंगे तो फोर हंड्रेड आ जाएगा तो यहाँ से मेरा जो एल वी साइड का इक्वेलेंट आया वो कितना आया फोर पॉइंट सिक्स सेवन फाइव मिलीओम यही मेरा आंसर होगा और ट्वेंटी फाइव के भी ए टू थाउजेंड बाई टू हंड्रेड वोल्ट फिफ्टी हर्ट्स ट्रांसफार्मर हैज़ मैक्सिमम एफिसंसी एट एटी परसेंट आ फुल लोड इट्स पर यूनिट रजिस्टेंस एंड इम्पीडेंस आर पॉइंट जीरो वन टू एंड पॉइंट जीरो फाइव रेस्पेक्टिवली इट्स एफिशेंसी एट हाफ हाफ फुल लोड एंड एट पॉइंट एट पावर फैक्टर लैग इज इसका सोल्यूशन देखते हैं देखिए जो मेरा सेकेंड क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन देखते हैं देखिए जो फुल लोड करेंट होगा वो मेरा पावर हो जाएगा डिवाइडेड बाई वोल्टेज इक्वल्स टू ट्वेल्व पॉइंट फाइव एम्पियर जैसा कि हम जानते हैं कि मैक्सिमम एफिशिएंसी पे कोर लॉस इक्वल्स टू होता है कॉपर लॉस के तो कोर लॉस बराबर क्या हो जाएगा आई फुल लोड का करेंट का स्क्वायर इन आर टू लेकिन मुझे जो दिया गया है एट्टी परसेंट ऑफ फुल लोड करेंट पे जो मेरा मैक्सिमम एफिशिएंसी मुझे मिल रहा है तो यहां से क्या हो जाएगा कोर लॉस कितना निकल के आ जाएगा एक्स स्क्वायर कर देंगे फैक्टर एक्स स्क्वायर का हो जाएगा मल्टीप्लाई टू पॉइंट सिक्स फोर आई एफ एल स्क्वायर इंटू आर ई मेरा हो जाएगा कोर लॉस जैसा कि हम जानते हैं कि पर यूनिट रेजिस्टेंस बराबर होता है एक्चुअल डिवाइडेड बाय बेस आर ओम मतलब एक्चुअल रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई आर बेस आर बेस कितना हो जाएगा वोल्टेज का स्क्वायर डिवाइडेड बाई के रेटिंग तो देखिए यहाँ से आर ओम इंटू के वी ए डिवाइडेड बाई वोल्टेज का स्क्वायर तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो मुझे मिल जाएगा आर ओम आर ओम इक्वल्स टू कितना आ गया मतलब एक्चुअल रेजिस्टेंस बराबर वन पॉइंट नाइन टू ओम और हमसे जो पूछा गया है फिफ्टी परसेंट पे एफिशिएंसी पूछ लिया गया है तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे एफिशिएंसी बराबर क्या होता है आउटपुट अपॉन इनपुट तो आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट बराबर कितना हो जाएगा आउटपुट प्लस में लॉसेस लॉसेस कौन सा हो जाएगा कोर लॉस प्लस आयरन लॉस सॉरी कोर लॉस प्लस कॉपर लॉस आयरन लॉस और कोर लॉस दोनों सेम होता है कॉपर लॉस तो मुझे फिफ्टी परसेंट पे पूछा गया है तो देखिए देखिए फिफ्टी परसेंट मीन्स हाफ लोड मतलब वन बाई टू इंटू पावर इंटू पावर फैक्टर मतलब किलो वॉट यहां पर हो जाएगा रियल पावर डिवाइडेड बाई आउटपुट प्लस में लॉसेस जो मेरा जो कॉपर लॉस जो हो जाएगा कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर मतलब एक्स के ऊपर कितना हो जाएगा पॉइंट फाइव और उसका स्क्वायर करेंगे पॉइंट टू फाइव इंटू फुल लोड करंट का स्क्वायर इंटू आ प्लस में जो मेरा कोर लॉस निकल गया था वो तो यहां से देखिए मेरा जो फिफ्टी परसेंट पे इफिशी आया वो कितना आ गया नाइनटी सेवन पॉइंट फोर परसेंट यही मेरा राइट आंसर हुआ ओपन सर्किट टेस्ट इन अ ट्रांसफार्मर कैन बी यूज टू अब ऑफ द ए ऑप्शन कोर लॉसेस बी ऑप्शन मैग्नीट्यूड ऑफ एक्साइटिंग करेंट सी ऑप्शन कॉपर लॉस एंड डी ऑप्शन इक्विवेलेंट सीरीज इम्पिडेंस देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा का सोल्यूशन देखते हैं जो मेरा ओपन सर्किट टेस्ट का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है ओपन सर्किट टेस्ट हम किस लिए करते हैं जो सन्ट पैरामीटर होता है उसको फाइंड आउट करने के लिए सन्ट पैरामीटर मीन्स आर नॉट और एक्स नॉट होता है इसी को फाइंड आउट करने के लिए हम ओपन सर्किट टेस्ट का यूज करते हैं ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं देखिए दे आर फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ एक्साइटिंग करेंट वी कैन फाइंड फ्रॉम दिस मतलब इससे और सेकेंड क्या है टू फाइंड आउट आयरन लॉस इन ट्रांसफार्मर और थर्ड पॉइंट क्या क्या है टू सेपरेट आयरन लॉसेस इनटू हिस्टेरिसिस एंड एडी करेंट लॉसेस तो जो मेरा राइट right आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ एक्साइटिंग करेंट और कोर लॉस मेरा आंसर हो जाएगा इन थ्री फेस थ्री लिम कोर टाइप ट्रांसफार्मर द प्राइमरी बाइंडिंग ऑन सेंट्रल लिम हैज हंड्रेड ट्स द मैक्सिमम फ्लक्स थ्रू एन एनी लिम इज टू बी वन मिली बेवर एंड रिलक्टेंस ऑफर्ड बाई अ कोर इज पॉइंट टू फाइव इंटू टेन की पावर सिक्स एम्पियर टन पर बेवर द फ्लक्स बैरिंग साइनिश विथ टाइम द आर एम एस वैल्यू ऑफ द मैग्नेटाइजिंग करेंट इज यहाँ पर नेग्लेक्ट द रिलक्टेंस ऑफ वॉक्स इसका सोल्यूशन देखते हैं देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि फ्लक्स इक्वल्स टू होता है एम एम एफ अपॉन रिलक्टेंस तो यहां से मुझे मैक्सिमम फ्लक्स बराबर कितना हो जाएगा मैक्सिमम एम एम एफ डिवाइडेड बाई रिलक्टेंस तो देखिए, जो मुझे जो गिवेन है फ्लक्स की वैल्यू है टेन मतलब वन मिली बेवर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा एम एम एफ बराबर क्या होता है नंबर्स ऑफ टर्न्स इनटू करेंट डिवाइडेड बाय रिल्स तो देखिए नंबर्स ऑफ टर्न्स जो मुझे जो गिवेन था हंड्रेड था और करेंट आई हो जाएगा मैक्सिमम करेंट तो यहाँ से मुझे आई की वैल्यू कितना मिल गया यहाँ से जो मुझे मिला आई एम इक्वल्स टू पॉइंट टू फाइव एमपियर फिर देखिए यहाँ से हम आर वैल्यू निकाल देंगे आर एम करेंट आर एम करेंट इक्वल्स टू कितना होता है मैक्सिमम करेंट डिवाइडेड बाय रूट टू इक्वल टू कितना हो जाएगा वन पॉइंट सेवन सेवन एम्पियर जो मेरा राइट आंसर हुआ द देंशियल कंडीशन फॉर पैरल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर इज ए ऑप्शन सेम वोल्टेज रेशियो बी ऑप्शन सेम एक्स बाई आर रेशियो सी ऑप्शन प्रॉपर प्रोरिटीज डी ऑप्शन पर यूनिट लीकेज इम्पीडेंसेज मस्ट बी इक्वल इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन होगा देखिए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं द इसेंशियल कंडीशन फॉर पैरल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज प्रॉपर पोलरिटीज डेट इज सेम पोलरिटीज ऑफ द ट्रांसफॉर्मर्स मस्ट बी कनेक्टेड अदरवाइज लार्ज शॉर्ट सर्किट करेंट फ्लोज थ्रू ट्रांसफॉर्मर्स विच बर्न्स ट्रांसफॉर्मर बाइंडिंग्स तो इसका जो मेरा राइट right आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा प्रॉपर पोलैरिटीज मुझे ऑप्शन में जो गिवेन है प्रॉपर पोलरिटीज मेरा राइट right ऑप्शन हो जाएगा ट्रांसफार्मर हैज एन प्राइमरी बाइंडिंग ऑफ एटी एट हंड्रेड एंड सेकेंडरी ऑफ टू हंड्रेड टन्स वेन लोड करेंट ऑन दीज एटी एम्पियर एट पॉइंट एट पावर फैक्टर लैग दी प्राइमरी करेंट इज ट्वेंटी फाइव एम्पियर एट पॉइंट सेवन जीरो सेवन पावर फैक्टर लैग डिटरमाइन दो लोट करेंट ऑफ ट्रांसफार्मर एंड नो लोट पावर फैक्टर देखिए इसमें जो मुझे गिवेन डेटा जो दिया है गिवेन डेटा जो है एन वन इक्वल्स टू एट हंड्रेड एन टू बराबर टू हंड्रेड आई वन बराबर ट्वेंटी फाइव एम्पियर आई टू बराबर एटी एम्पियर एंड पावर फैक्टर पहला जो दिया हुआ है पॉइंट सेवन जीरो सेवन लैग है यहाँ से जो थीटा की वैल्यू जो निकल के आ जाएगी माइनस फोर्टी फाइव डिग्री आ जाएगी फिर सेकेंड जो पावर फैक्टर जो दिया गया है पॉइंट एट लैग दिया हुआ है यहाँ से भी जो थीटा की वैल्यू निकल के आ जाएगी थीटा टू वो कितना हो जाएगा माइनस थर्टी सिक्स पॉइंट एट सेवन डिग्री और मुझसे जो पूछ पूछा है वो आई नॉट और नो लोड पावर फैक्टर पूछ लिया है देखिए ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बराबर क्या हो जाएगा एन टू डिड बाई एन वन एन टू की वैल्यू है टू हंड्रेड और एन वन की वैल्यू है एट हंड्रेड यहां से क्या आ गया वन बाई फोर जो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है वो वन बाई फोर आ गया फिर हम क्या करते हैं कि जो सेकेंडरी साइड में जो करंट है उसको प्राइमरी साइड में रेफर करते प्राइमरी करंट करेस्पॉन्ड टू सेकेंडरी करंट तो यहां से मेरा जो कितना आ जाएगा इसको हम आई वन डैश बोल देते हैं आई वन डैश बराबर कितना हो जाएगा के इन आई टू इसको अगर सॉल्व करेंगे कितना आ गया ट्वेंटी एंगल माइनस थर्टी सिक्स पॉइंट एट सेवन डिग्री जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर में जो होता है आई वन इक्वल्स टू आई नॉट प्लस आई वन डैश अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से आई नॉट की वैल्यू निकल जाएगी आई नॉट बराबर कितना आ गया वन पॉइंट सिक्स सेवन फाइव माइनस जे फाइव पॉइंट सिक्स सेवन फाइव इसका जब मैग्नीट्यूट जब निकालेंगे तो कितना आ गया फाइव पॉइंट नाइन टू एम और इसका एंगल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा सेवेंटी थ्री पॉइंट फाइव फाइव डिग्री लैग लैग आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो इसलिए लैग देखिए करेंट का मैग्नीट्यूट आ गया फाइव पॉइंट नाइन टू एम और पावर फैक्टर हो गया पॉइंट टू एट थ्री थ्री लैग पॉइंट टू एट थ्री थ्री लैग यही मेरा आंसर हो गया यही तो पूछा था आई नॉट और नो लोड पावर फैक्टर अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैज अ रेगुलेशन ऑफ टेन परसेंट when delivering full load at unity power factor and 15% when delivering the same load at 0.8 power factor lag the regulation if the transformer is delivering half load at 0.8 power factor leading is इसको देखते हैं देखिए इसमें जो मुझे गिवन है परसेंटेज आर गिवन है और वोल्टेज रेगुलेशन परसेंटेज में गिवन है एट पॉइंट एट पावर फैक्टर लैग तो जैसा कि हम जानते हैं परसेंटेज रेगुलेशन का जो फार्मूला होता है लैग के लिए क्या होगा परसेंटेज आर कॉस फाइ प्लस परसेंटेज एक्स साइन फाई यहाँ पे हम वैल्यू जब पुट करेंगे तो यहाँ पे परसेंटेज एक्स की वैल्यू निकल जाएगी जो कि है इलेवन पॉइंट सिक्स सेवन परसेंट तो मेरे से जो पूछा गया है वो हाफ लोड पे पूछा है और पॉइंट एट पावर फैक्टर लीड पे पूछा है तो लीड के लिए फार्मूला यहाँ पे माइनस हो जाएगा जहाँ पे लैग के लिए प्लस था यहाँ पे लीड के लिए माइनस हो जाएगी तो देखिए परसेंटेज रेगुलेशन कितना हो जाएगा हाफ लोड के लिए पॉइंट फाइव परसेंटेज आर कॉस फाइव माइनस परसेंटेज एक्स साइन फाइव तो सबकी वैल्यू जब पुट कर लेंगे तो मेरा जो आंसर हो जाएगा पॉइंट फोर नाइन परसेंट हो जाएगा जो कि मेरा आंसर है और टेन के वी ए ट्रांसफार्मर हैज़ अ परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन एट फुल लोड यूनिटी पावर फैक्टर ऑफ थ्री परसेंट मैक्सिमम इफ़िशेंसी अकर्स एट फुल लोड फाइंड टोटल लॉसेस एट मैक्सिमम मैक्म ए ऑप्शन है थ्री थ्री हंड्रेड वाट बी ऑप्शन वन फिफ्टी वाट सी ऑप्शन फोर फिफ्टी वाट्स डी ऑप्शन सिक्स हंड्रेड वाट इसको देखते हैं देखिए इसमें जो गिवन डेटा जो है परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन एट फुल लोड यूनिटी पावर फैक्टर इक्वल्स टू परसेंटेज आर इक्वल्स टू कितना था थ्री परसेंट एंड के रेटिंग जो थी टेन के वी थी टेन जैसा कि हम जानते हैं कि आर पी बराबर कितना होता है फुल लोड कॉपर लॉस पी तो देखिए तो फुल लोड कॉपर लॉस इंटू के वी रेटिंग ये मेरा पी यू की वैल्यू हो गया एक्चुअल अपॉन्ट में बेस तो देखिए इसके बाद जो फुल लोड कॉपर लॉस जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा फुल लोड कॉपर लॉस कितना हो जाएगा आर पी यू इंटू वी ए रेटिंग तो यहाँ से मेरा कितना हो गया थ्री हंड्रेड वॉट और मुझसे जो पूछा गया है मैक्सिमम पूछ दिया है देखिये इसमें जो पूछा था मैक्सिमम इफिशियन्सी पे पूछा था फुल लोड एट मैक्सिमम इफिशियंसी देखिए इसमें क्या होता है मैक्सिमम इफिशियंसी के लिए क्या होता है कॉपर लॉस आयरन लॉस के बराबर होता है तो इसमें जो मेरा जो लॉस निकल के आया था थ्री हंड्रेड वाट आया था तो टोटल लॉस कितना हो जाएगा एट मैक्सिमम इफिशेंसी टू टाइम्स ऑफ आयरन लॉस और कॉपर लॉस कुछ भी बोल सकते हैं तो देखिए टू इंटू थ्री हंड्रेड बराबर सिक्स हंड्रेड वाट यही मेरा आंसर हुआ टोटल लॉस पूछा था अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैज अ रेटिंग ऑफ फिफ्टीन के भी ए सिक्स हंड्रेड बाई वन ट्वेंटी वोल्ट इट इज रिकनेक्टेड एज एन ऑटो ट्रांसफार्मर टू सप्लाई एट सेवन ट्वेंटी वोल्ट फ्रॉम अ सिक्स हंड्रेड वोल्ट प्राइमरी सोर्स द मैक्सिमम लोड इट कैन सप्लाई इज इसको देखते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन है देखिए टू बाइंडिंग ट्रांसफार्मर का जो वोल्टेज रेटिंग है वो कितना है सिक्स हंड्रेडिक वन ट्वेंटी वोल्ट वैसे ही ऑटो ट्रांसफार्मर का जो रेटिंग जो है फिफ्टीन के वी ए और जो वोल्टेज रेटिंग जो है वो कितना है सिक्स हंड्रेड ऑब्लिक सेवन ट्वेंटी वोल्ट तो इसको देखते हैं टू टू बाइंडिंग ट्रांसफार्मर से आटू बाइंडिंग ट्रांसफार्मर कैसे बनता है उस तरह से देखते हैं देखिए प्राइमरी का जो वोल्टेज रेटिंग है वो सिक्स हंड्रेड है और सेकेंडरी का सेवन ट्वेंटी है तो इसको हम किस तरह से बनाएंगे इसको जब ऐड कर देंगे सिक्स हंड्रेड और वन ट्वेंटी वोल्ट को तो मेरा सेकेंडरी साइड में कितना बन जाएगा सेवन ट्वेंटी हो जाएगा तो देखिए यहां पे कर दिया मैं मतलब सीरीज एडिटिव पोलैरिटी मुझे करना पड़ेगा देखिए यहाँ से हो गया तो इसमें हम करंट निकाल लेंगे प्राइमरी रेटेड तो यहाँ से कितना हो जाएगा प्राइमरी का जो वोल्टेज था कितना था सिक्स हंड्रेड वोल्ट और रेटिंग जो थी फिफ्टीन के था तो देखिए यहाँ से निकल गया ट्वेंटी फाइव एमपियर और सेकेंडरी का जो करंट आएगा उसका कितना हो जाएगा वन ट्वेंटी फाइव तो देखिए सेकेंडरी में मैंने 125 ट्वेंटी इधर कर दिया और प्राइमरी में 25 फाइव इधर कर दिया तो मुझे जो टोटल जो प्राइमरी से जो मुझे मिल रहा है वो कितना हो गया 150 फिफ्टी हो गया देखिए रेटिंग ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर कितना हो गया जो वोल्टेज है प्राइमरी का इनटू प्राइमरी का करंट तो प्राइमरी का वोल्टेज कितना था सिक्स हंड्रेड इंटू करेंट कितना था वन फिफ्टी एम पियर तो टोटल कितना हो गया नाइंटी के भी है मेरा? का आ गया. तो यही मेरा राइट right आंसर है इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं जो सेकेंडरी का जो वोल्टेज है सेवन ट्वेंटी इंटू सेकेंडरी का जो करंट है इतना करेंगे तब पर भी मेरा उतना ही आंसर आ जाएगा नाइन्टी के भी है देखिए लास्ट क्वेश्चन है थ्री आइडेंटिकल सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैज हैजर रेटिंग वोल्टेज ऑफ 200 150 and 100 volt respectively for primary secondary and tertiary bindings the primary is connected in star to three phase sinusoidal supply of 433 volts the secondary is also connected in star the voltmeter when connected across the open circuited delta of the tertiary binding gave rating of 120 volt वॉट इज दी फेज वोल्टेज ऑफ द सेकेंडरी इफ दी टर्सरी डेल्टा इज ओपन सर्किटेड देखिए मेरा ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन दिया है इसको सॉल्व करते हैं इसका जो सोल्यूशन देखते हैं देखिए इ कितना हो जाएगा जो मुझे टर्सरी बाइंडिंग का जो वोल्टेज दिया था 120 दिया था अगर इसको फेज में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा वन ट्वेंटी बाई थ्री मतलब फोर्टी वोल्ट और जो प्राइमरी वोल्टेज का कितना हो जाए जो मुझे कनेक्टेड हुआ था फोर थर्टी थ्री से उसका अगर फेज वोल्टेज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा फोर थर्टी थ्री डिवाइडेड बाई रूट थ्री यहाँ से कितना हो गया टू फिफ्टी वोल्ट तो देखिए और मुझे जो गिवेन है रेटेड वोल्टेज फॉर प्राइमरी बाइंडिंग वो है टू हंड्रेड वोल्ट और यहाँ से अप्लाइड वोल्टेज कितना निकल के आया था 250 फिफ्टी तो दियर फॉर द अप्लाइड वोल्टेज इज 250 फिफ्टी डिवाइडेड बाई टू हंड्रेड मीन्स वन पॉइंट टू फाइव टाइम्स दियर रेटेड वोल्टेज तो यहां से देखिए अगर हम इसको सेकेंडरी साइड में ट्रांसफर करते हैं तो कितना हो जाएगा फेज वोल्टेज ऑन सेकेंडरी साइड कितना हो जाएगा इक्वल्स टू वन पॉइंट टू फाइव अंडर रूट ई वन का स्क्वायर प्लस ई थ्री का स्क्वायर ईवन को अगर हम सेकेंडरी में ट्रांसफर करेंगे तो कितना हो जाएगा E1 की जो वैल्यू है टू हंड्रेड इंटू सेकेंडरी में ट्रांसफर करना है तो वन फिफ्टी था डिवाइडेड बाय प्राइमरी था इसका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हो गया तो देखिए प्लस ई थ्री की वैल्यू कितना था फोर्टी इंटू सेकेंडरी में हम ट्रांसफर कर रहे हैं सेकेंडरी का कितना था वन फिफ्टी डिवाइडेड बाई जो टर्सरी का जो था वो हंड्रेड वोल्ट था इसका भी स्क्वायर कर दिए तो जो मेरा आंसर हुआ कितना हुआ टू हंड्रेड वन पॉइंट नाइन फोर वोल्ट तो यही मेरा राइट आंसर हुआ आंसर नंबर ए ओके थैंक यू